ब्यावर के सूरजपुर गेट बाहर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में देवशयनी एकादशी पर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के साथ धूमधाम से आयोजित किया गया। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मानक डानी ने कहा कि देवशयनी एकादशी से देव शयन करते हैं और इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। एकादशी को प्रातः 8 बजे विधि विधान से पूजित ध्वज को सुभाष गुप्ता के सौजन्य से मुख्य शिखर पर आरूढ़ किया गया। दोपहर 3 बजे से रामश्रेय संप्रदाय के संत अर्जुन राम जी महाराज ने पधारकर आशीर्वचन दिए। इस दौरान महाराज ने कहा कि भक्त में प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास, निष्कपट और आंखों में नमी, विनम्रता का भाव, 3 गुणों का होना भगवत प्राप्ति हेतु आवश्यक माना गया है। महाराज ने कहा कि श्री राधा जी प्रेम तत्व हैं, भगवान के हृदय से प्रकट भगवान की कृपा शक्ति, करुणा शक्ति, आराधनी आनंददायिनी प्रेम शक्ति कान्हा से अभिन्न है। उन्होंने कहा कि कृष्ण राधा एक ही है जो कि बांके बिहारी मंदिर में एकाकार स्वरूप में विराजित है। इस अवसर पर एकादशी सत्संग कार्यक्रम का आयोजन निर्मला नरेंद्र कुमार जेथले के सौजन्य से हुआ। रथ यात्रा प्रमुख विजय तंवर ने कहा कि शाम को 6 बजे महाप्रभु जी की महाआरती उतारी गई। श्रद्धालुओं ने 10 दिन महाप्रभु जी के समक्ष भक्ति गंगा में गोते भी लगाए। मुनिचा धाम स्वरूप के सजे बांके बिहारी मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव के तहत प्रतिदिन भक्ति की बयार बहती रही। महाप्रभु जी के निजधाम प्रस्थान समय उपस्थित भक्त समुदाय ने भीगी पलकों से उन्हें विदाई दी। झांझ झंकार, शंखनाद, ढोल ढमाकों और जय जगन्नाथ जय जय हरि बोल के नारों के साथ बहुदा यात्रा के द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलप्रद और बहन सुभद्रा ने निजधाम सावरिया सेठ मंदिर हेतु प्रस्थान किया।